गांव से जहां पर रोडवेज बस से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और आक्रोशित लोगों ने बस में उसी दौरान आग लगा दी। गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र सराय दौलत की पूरी घटना है जहां पर रोडवेज के नीचे आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने आपको बता दें कि बस में आग लगा दी है। गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय दौलत की एक घटना है जहां पर रोडवेज बस से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और इस दौरान रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया गया है। और गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र सराय दौलत की पूरी घटना है। ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही रोडवेज बस है जिससे एक युवक की कुचलकर मौत हो गई। लोग आक्रोशित हो गए हैं, लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया है और इसी दौरान बस में आग लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुजाहिद मजीदी। मुजाहिद, कितने बजे की घटना है, क्या है पूरी जानकारी? जी बता दूं कि ये देर रात की घटना है। ये फरुखाबाद से कानपुर के लिए बस जा रही, जैसे ही बस सराय दौलत के पास पहुंची थी, रोड के किनारे युवक टहल रहा था, अचानक युवक ट्रेन बस के नीचे आ गया, वो कुचल के उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जी मुजाहिद, अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आती रहती है कि रोडवेज बस के नीचे कुचल कर युवक की मौत हो जाती, क्या वजह आखिर हो सकती है? या शराब के नशे में ड्राइविंग की जा रही थी, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद की झपकी आ जाने की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं? जी नेहा जी बता दूं, जिस तरह से आपने बताया कि अधिकतर जो चालक होते हैं वो नशे में ही रहते हैं, और ज्यादातर जो रोडवेज के चालक होते हैं वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, और कहीं ना कहीं जब लंबा सफर होता है तो वो नींद की झपकी भी आ जाती है। लेकिन अगर माना जाए जो रोड के किनारे देर रात लोग टहलते हैं, उनको भी अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह से सड़क के किनारे हाईवे पर लोग निकल आते हैं, वैसे ही जब अचानक तेज रफ्तार बस होती है वो उनको कुचल देती है। वही मौके पर भीड़ ने एक बस में आग भी लगा दी थी, लेकिन पूरा मामला पुलिस ने पर अब शांत कर लिया है और सबको। मुजाहिद, क्या क्या बस चालक की गिरफ्तारी हो पाई है? ये बता दूं कि बस चालक मौके से फरार हो गया था, तभी गुस्साई बस ने उसमें आग लगाई थी बस में। जी जी मुजाहिद, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले, कन्नौज की एक घटना है जहां पर एक रोडवेज के नीचे आ जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं गुस्साई भीड़ ने रोडवेज बस में आग लगा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जो बस का चालक है वो अभी भी फरार चल रहा है। फिलहाल यहां छोटे से